पे मैं तीन सर्वर ले रहा हूँ। पहला जो सर्वर है डोमेन कंट्रोलर भी है, साथ में DNS भी है और DHCP, अब DHCP बन जाएगा ठीक है। दूसरे लैब के लिए एक और DHCP सर्वर मैं लूँगा ये वाला ठीक है, और ये मेरा क्लाइंट रहेगा, ये क्लाइंट रहेगा। DHCP रोल मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ ठीक है। हाँ DC और DNS पहले से, यानी कि आपने AD बनाई इसमें तो DNS भी डल जाएगा ठीक है। DC हो गया, DSC और DNS भी हो गया, DSC भी हम उसमें डाल लें, उसमें कुछ नहीं है अभी, खाली है अभी, लैब आई तो करेंगे सर। ये फिलहाल इसको DHCP बना रहे हैं। DHCP एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप बनेगा एक, और यहाँ पे क्या होगा DHCP AD से ऑथराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हम सिर्फ ऑथराइज DHCP सर्वर ही अपने नेटवर्क में यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हैकिंग अटैम्प्ट होता है ना, तो क्या होता है रॉकी DHCP सर्वर इंस्टॉल किए जाते हैं। रॉकी DHCP सर्वर क्या होता है? एक ऐसा DHCP सर्वर जो फॉल्स IP प्रोवाइड कर रहा है, जो आपके नेटवर्क में क्या है और DHCP सर्वर चल रहा है, लेकिन हमने मैंने भी क्या किया, एक सिस्टम ऑन किया, लैपटॉप ऑन किया, इसमें एक DHCP सर्वर क्या किया बना लिया ठीक है। तो हैकर क्या करते हैं, नेटवर्क में कहीं बैठ जाएंगे और DHCP सर्वर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और अब क्या होगा, जो मेन DHCP सर्वर है वो तो IP दे रहा है ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अब मेरा जो कंप्यूटर है वही IP देगा, समझ रहे हो? तो क्या होगा, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे ठीक है, वो उस DHCP सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैं पहले ही क्या करूँगा, बहुत सारे क्लाइंट्स बना के रॉक्यू मैसेज सेंड करूँगा, और जितने भी IP है सारे अपने पास क्या कर दूँगा, उठा लूँगा, तो लीज़ ख़त्म हो जाएगी, लीज़ ख़त्म हो गई। अब जितने भी IP हैं अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे लेजिटिमेट सर्वर से, तो क्या होगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। तो क्या होगा, वो यहाँ पे आएंगे, ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेज जा रहे हैं, तो मेरे DHCP सर्वर से आएंगे IP, और मैं क्या करूँगा, उनको गलत IP प्रोवाइड करूँगा। जो IP उनके अंदर आ जाएंगे, अब वो क्या करेंगे, जैसे IP यूज़ करेंगे वो किसी गलत DNS सर्वर पे रिडायरेक्ट किए जाएंगे, और किसी दूसरे DNS सर्वर से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, कोई भी मालिशियस वेबसाइट चल रही है उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ से वायरसेस उनके सिस्टम्स में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हैकिंग अटैम्प्ट होता है। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, DHCP को ऑथराइज कर रहे हैं कि हमारे नेटवर्क में सिर्फ ऑथराइज DHCP ही काम कर सके, जो एक्टिव डायरेक्टरी से सिक्योर हो, ऑथराइज हो। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ऑथराइजेशन कर रहे हैं यहाँ। तो देखो एडमिन ग्रुप में ऐड हो जाएगा यहाँ पे, द
पहले ये नहीं था, पहले कोई भी सर्वर आईपी दे सकता था, लेकिन अब 2012 में सिर्फ जो ऑथराइज डीएससीपी है वही आईपी दे पाएंगे। करेंगे तो
भी ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जैसे DNS सर्वर, मिन सर्वर, ठीक है, गेटवे, ये सारे आप दे सकते हैं। तो पहले आपसे मांग रहा है राउटर या डिफॉल्ट गेटवे, ये इस तरह से आप डाल सकते हैं राउटर का। ये गेटवे हो गया ना, फर्स्ट आईपी गेटवे होता है। अब DNS सर्वर देना है आपको, तो DNS सर्वर का यहाँ नाम लिख दो DNS 1। ऑलरेडी यहाँ पे देखो पहले से ही DNS सर्वर की लिस्ट आ रही है, अगर दो DNS दे रहे हैं तो दो दे सकते, ठीक है, या मैनुअली आप ऐड करके ऐड कर सकते। विन सर्वर, अगर विन सर्वर आपको देना है तो विन सर्वर भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो विन सर्वर को यूज कर सकते हैं इस तरह। यू वांट टू एक्टिवेट द स्कोप नाउ? यस, स्कोप एक्टिवेट हो गया, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो आपका एक्टिवेट हो गया है। एड्रेस पूल, अब देखो एड्रेस पूल में दिखा रहा है जो डिस्ट्रीब्यूटेड आईपी है, जो स्कोप है, रेंज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है वो 101 से 200 है, ठीक है, और जो एक्सक्लूजन है वो है 101 से 110। लीज में वो क्लाइंट्स दिखाएगा जो आईपी एड्रेस ऑब्टेन करेंगे, तो अभी कोई भी यहाँ पे क्लाइंट नहीं है, तो हमें एक मेरा ये सर्वर है इसको भी क्लाइंट बना देते हैं पहले, इसको भी आईपी तो आएंगे।
आई पी उठाते रहेगा, यहाँ लिस्ट में आते रहेंगे 10 कंप्यूटर 20 जितने भी आई पी उठाएंगे वो सारे यहाँ आएंगे। और ये देखो इनके जो नेटवर्क कार्ड होंगे ना उसमें इस डोमेन का नाम भी आएगा जिस डोमेन से आई पी उठाएगा। तो यहाँ पे जब जाओगे एक कमांड आपको चलानी पड़ेगी /all, इसमें पूरा डिटेल आपको दिखाएगा। देखिए छोटा है ना, चाहे तो यूज़ कर सकते हैं।
रिजर्वेशन में मैंने कितना लिया था, 110 दे रहे हैं। मैक एड्रेस इसका ले लेते हैं, ये क्लाइंट है ना, इसका मैक ले लेते हैं। वैसे आपको यहाँ पता लग जाएगा इसका मैक क्या है। इसके लिए आप रिजर्व यहाँ पे लीज जो है, ये रिजर्वेशन के लिए आईपी जो है आ गया है, लेकिन ये अभी इनएक्टिव आ रहा है, ठीक है, एक्टिवेट नहीं है। रिफ्रेश कीजिए तो अगर इस लिस्ट में वो रिजर्व वाला आईपी होगा तो क्या हो जाएगा, वाला आईपी हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम जा रहे हैं क्लाइंट के पास, इसका आईपी यहाँ पे हटा दीजिए, उसके लिए कमांड है रिलीज। रिलीज होती है ज़ीरो कर देता है, रिलीज से आईपी छोड़ देता है, और रिन्यू से दोबारा से वो रिक्वेस्ट करता है। अभी रिन्यू करेगा तो उसको देखो क्या आईपी मिलता है, वो अब पता लगेगा। देखो आईपी मिला है इसको 110, क्यों मिला, क्योंकि इसका आईपी जो है रिजर्व था। देखो आईपी एड्रेस मिला है इसको, लेकिन यहाँ पे देखो लीज एक्सपायर आ रही है, देखो आ रही है। रिजर्वेशन का ये मतलब नहीं होता कि उसको लीज जो है एक्सपायर नहीं होगी, लीज एक्सपायर होगी, रिक्वेस्ट करेगा उसको वही आईपी मिलेगा, लीज एक्सपायर हो जाएगी फिर रिन्यू करेगा फिर मिलेगा, पर आईपी मिलेगा वही वाला। प्रोसेस पूरी चलेगी, पूरा प्रोसेस पूरी चलेगी यार, अटैम्प्ट मिल रहा है ना उसको 50% पे तो रिन्यू हो जा रहा है उसका। अगर तब भी रिन्यू नहीं किया तो दूसरा अटैम्प्ट है, और अगर वो मिस हुआ फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से वो प्रोसेस चलेगा। पर इसमें वो तो वही मिलेगा ना उसका आईपी, चाहे कितनी बार भी प्रोसेस चले वही आईपी मिलेगा उसको। लीज रिक्वायर्ड क्यों नहीं है, रिजर्वेशन एक्टिव है। देखो वो तो सभी के लिए चल रही है ना, सभी क्लाइंट के लिए, वो स्पेसिफिक के लिए नहीं है। लीज तो सभी को मिल रही है, वही बात। अरे लीज सबके लिए है, रूल सबके लिए सेम होते हैं, सिर्फ आपको वही आईपी मिलेगा, आपको रिजर्वेशन आप स्पेशल हो आपको वही आईपी मिलेगा, बस इसी चीज के लिए छूटा है, बाकी कोई छूट नहीं है। लीज तो देखो प्रोसेस तो वही चल रहा है, दोहरा प्रोसेस चल रहा है, लीज उसको भी मिल रही है, आईपी उठा रहा है, लीज मिल रही है, फिर रिक्वेस्ट कर रहा है उसको वही आईपी मिल रहा है बार बार, उसको सिर्फ छूट किस चीज के लिए, आईपी के लिए, कि भाई आपको जब भी मांगोगे आपको वही आईपी मिलेगा, इस चीज के लिए छूट है, बाकी कोई छूट नहीं है। ये देखो ये कमांड होती है आरएफ माइनस है, अब देखो इस बार इसका आईपी ये देखो ये ऊपर आ रहा है ना,
ये तो हो गया मैनुअली रिजर्वेशन, ऑटोमेटिक कैसे करते हैं, जैसे कि ये दूसरा सर्वर लगा हुआ मेरे पास DHCP2 वाला, राइट क्लिक करो ऐड टू रिजर्वेशन, यहीं पे ऑप्शन आ रहा है लीज कन्वर्टेड सक्सेसफुली टू रिजर्वेशन, रिजर्व हो गया और रिजर्वेशन तुरंत ही एक्टिवेट हो, ये होता है ऑटोमेटिकली। एक साथ 10 लोगों ने कहा भाई रिजर्व कर दो भैया मैं, तो आप फटाफट रिजर्व कर दो।
डीबी का बैकअप कैसे लेते हैं? देखो डीएससीपी सर्वर के अंदर वैसे तो बाय डिफॉल्ट बैकअप बनता ही है, ये इसका जो डेटाबेस होता है वो यहाँ आ जाता है। इसका जो डेटाबेस होता है उसका नाम होता है dscp.mdb, ये इसका डेटाबेस, ठीक है ना। इसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है। इसमें देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लॉग फाइल्स बनती हैं, इसमें ये दो रिजर्व लॉग फाइल बनती है 1-1 MB की। ये क्या होता है, जब हमारी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है और हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं बचता है, ऐसे कंडीशन में आपको जो है जितने भी क्लाइंट हैं उनको आईपी प्रोवाइड करना है, स्कोप जो है उसमें से आईपी देना है और लॉग वगैरह मेंटेन करना है। उसके लिए क्या है, ये लॉग फाइल है, जब भी कोई आईपी दे रहा है, रिजर्व कर रहा है या जो भी प्रोसेस चल रहा है इसमें, तो इसके अंदर लॉग आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो रिजर्व लॉग हैं, तब काम करेंगे जब डीएससीपी ये डिफाइन करने के लिए हमें लॉग फाइल जो है वो पूरी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। ये करंट ट्रांजैक्शन लॉग फाइल है, ठीक है। ये भर जाने के बाद इस तरह से आपकी क्रिएट हो जाएगी, ये फुल हो चुकी है, इसके बाद ये इस तरह से J500001, इसके बाद ये फुल हो जाएगी तो J500002, ऐसे ये बनना स्टार्ट होती है। लॉग फाइल्स जो होती हैं जैसे भर जाती है तो क्या होता है, टैम्प में एंट्री आती है इसकी, और टैम्प से क्या हो जाती है, ये MDB फाइल में क्या हो जाती है, चली जाती है, ठीक है। और ये फिर क्या हो जाती है, इसका नाम रीनेम हो जाता है, ठीक है, उसके बाद दूसरी बन जाती है, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। कौन सी ये, हाँ ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी फाइल है, टेम्परेरी डेटाबेस इसमें स्टोर होता है, ठीक है। मतलब टैम में स्टोर होगा वो, उसके बाद वो कॉपी हो जाएगा मेन MDB फाइल, खाली ओपन हो जाएगी MDB नहीं, यहाँ पे ओपन नहीं, खाली टेक्स्ट ही होगा, हाँ टेक्स्ट हो जाएगा, और उसमें भी दिखेगा नहीं कुछ, आप लॉग है वो लॉग फाइल है, नहीं ये भी नहीं खुलेगी, MDB है ये। ये एक्टिविटी लॉग है, ये देख यहाँ पे दिख जाएगा, ये लॉग बनती है आपकी। कोई भी आप देखो ऑथराइजेशन हुआ है उसका लॉग बना है, कोई प्रॉब्लम होगी तब उसका लॉग यहाँ पे आएगा, फेलियर हो रहा है कुछ हो रहा है उसका लॉग आता है, उसके लिए लॉग बनती है। एक ये बन रही है आपकी, ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला है इस आईपी को NAC के, ये असाइन हुआ IP, ये देखो इस क्लाइंट को, इस क्लाइंट को उसका MAC एड्रेस आ रहा है, रिन्यूअल हुआ है, देखो रिन्यू हुआ है ये IP इस क्लाइंट का, तो सारे लॉग आ रहे हैं ना इसमें, तो जो जो काम हो रहे हैं उसके लॉग यहाँ बन रहे हैं। तो इसके लिए ये लॉग फाइल है जिन्हें आप देख सकते हो, ये लॉग, लेकिन ये वाले इसके इंटरनल लॉग है, ये इंटरनल लॉग है, ये जब कोई लॉग बन रहा है तो पहले एंट्री यहाँ आ रही है, उसके बाद वो डेटाबेस में अपडेट हो रही है कि भाई हमारे पास कौन कौन से स्कोप हैं, कौन कौन से यूज़र हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। ये बैकअप बना होता है, ये बैकअप अभी खाली है, इसमें अभी बैकअप लेंगे आप, अभी बैकअप लेने के लिए देखो अभी खाली है, बैकअप लेंगे देखो, तो सर्वर पर जाएंगे, ऊपर एक्शन ऑप्शन आ रहा है, बैकअप ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये तुरंत ही बैकअप डायरेक्टरी में ले जाएगा, और यहाँ आप ओके कर दीजिए, ये बैकअप आ गया है, ये देखो
खाली रहना है, बैकअप है, ये मेन बैकअप है। दोनों आपकी लॉग फाइल्स आ गई, ठीक है, डेटाबेस आ गया, एक और फाइल होती है पैट फाइल, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है इसके अंदर। आप बैकअप को कहीं और भी रख सकते हो, बैकअप में जाइए, ठीक है, आप न्यू फोल्डर बना सकते हो, लोकेशन पे भी ऑप्शन है और किसी और जगह भी रख सकते हो। अब रिस्टोर करने की बार आती है, तो रिस्टोर करने से पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट देखो कैसे करूँगा, डेटाबेस से ही डिलीट कर दूंगा इसको, तो ये भी सब कुछ डिलीट हो जाएगा। बैकअप फोल्डर छोड़ देना, ठीक है, नहीं तो रिस्टोर नहीं होगा।
से आप क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। से आप क्या कर सकते हो,